हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं ईडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल एंड टेक वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए दबाइए सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एमपी नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी क्या डेट्स हैं, क्या शेड्यूल हैं, किस तरह से ये प्रोसेस होगी, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को। देखिए, ये है वो ऑर्डर जिसमें ये बताया गया है कि ये काउंसलिंग 8 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में इसकी ऑनलाइन फिलिंग की जाएगी, चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा इसके लिए। तो जो भी हैं आप इसको ध्यान रखें डेट्स का, और इसकी जो प्रोसेस होगी वो स्टार्ट करनी होगी। तो इसके लिए आपको जाना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना होगा। health.mponline.gov.in आप गूगल में सर्च करें। गूगल में जब आप ये सर्च करते हैं तो आपको रिजल्ट में फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन आएगा DHS आयुष काउंसलिंग MP। तो इसको आप टाइप करके सर्च कर दें health.mponline.gov.in। तो ये देखिए फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है DHS एंड आयुष काउंसलिंग MP, इस पर आप क्लिक कर दें। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होगा, जहां पर एक तरफ आपको DHS राइट साइड में लिखा होगा और एक तरफ आयुष। तो DHS सेक्शन में जाएं जो कि राइट साइड में है, इसमें फर्स्ट नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा नर्सिंग काउंसलिंग 2017 यानी 2017 पहले नंबर का ये ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक कर दें और इस ऑप्शन पे आप जब क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको खोलेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर राइट साइड में इंस्ट्रक्शन और इम्पोर्टेंट लिंक्स, तो राइट साइड में है काउंसलिंग और वैकेंसी लिस्ट देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और नीचे रिपोर्ट जो रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका काउंसलिंग शेड्यूल डाउनलोड कर लें। काउंसलिंग शेड्यूल के बटन पर आप क्लिक करें और काउंसलिंग शेड्यूल डाउनलोड कर लें। इसमें आपको शेड्यूल की जानकारी मिलेगी, तो आप इस बटन पर क्लिक करें और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन होगी डेट्स की और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अभी नेक्स्ट में डाउनलोड हो जाएगा तो आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये रहा, इसमें डेट्स हैं 8 अगस्त से 18 अगस्त तक ये प्रोसेस है। उसके बाद मैं बात करूँ तो चॉइस फिलिंग है इसमें, और जब आप सबमिट कर देते हैं इसमें आपका सक्सेसफुली, तो आपको इसकी रिसिप्ट के बारे में बताया गया है। इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कोई परेशानी होने के कंसर्न में, और साथ साथ में बताया गया है कि इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, किसी भी उम्मीदवार को ऑनलाइन पंजीयन या स्थान चयन के लिए एमपी ऑनलाइन या एमपी ऑनलाइन के किसी भी कियोस्क पर कोई भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। यानी काउंसलिंग का व्यय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ही व्यय किया जाएगा, तो आपको इसके लिए कोई फी पे नहीं करनी है एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाके। अब आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बटन पर क्लिक कर दें और वहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा, और डालना होगा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, आपकी सही डेट ऑफ बर्थ जो भी हो, ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं इसमें भरना। इसको एस्ट्रिक के मार्क से मार्क किया गया, यानी इसको डालना अनिवार्य है। तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर और ये डाल दें। नीचे डेट सेलेक्ट करने के लिए कैलेंडर ऑप्शन में से आप चूज़ कर सकते हैं, और ऊपर अपना एनरोलमेंट नंबर इसमें फीड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और नीचे दिए हुए विवरण देखने के बटन पर आप क्लिक करें। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज पर पहुँचेंगे। तो इस प्रोसेस को इस यहाँ पर कंप्लीट करके आप नेक्स्ट स्टेज पर चले जाएं, और वहाँ पर आपको मिलेंगे चॉइस करना होंगे आपकी पद स्थापना यानी पोस्टिंग से रिलेटेड 5 विकल्प में से एक विकल्प, और उसमें से आप अपना विकल्प चुन लें जो भी स्थान आप चाहते हैं, लेकिन आपका जो आप चुन लें और जो आपको मेरिट के आधार पर फिर डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन सा स्थान दिया जाएगा। आप अपनी चॉइस कर लें यहाँ से, तो ये इसको चॉइस करने के बाद आगे बढ़ें और अपना जो सक्सेसफुल रिपोर्ट की जो रिसिप्ट है वो ज़रूर प्रिंट कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है इसमें, और इसके लिए आपको आवश्यक रहेगी ये, तो ये आप ज़रूर कर लें। तो ये एक तरह की आपकी प्रति रहेगी आपकी रिपोर्ट की, तो इसके बाद ये कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप इसको ज़रूर कर लें एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद ADD एजुकेशन। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।